तो गाइज राधिका के घर की एक वीडियो आई है, वो आप लोग भी देखो। मतलब यार अब इनका तो एक अलग ही रूप शुरू हो रहा है। बात नहीं कर सकता हूँ क्या? तो कर तो रही हूँ। तो फिर यार अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? दरवाजा खोलूँ ना। क्यों खोलूँ? क्या बात करनी है? करो बात। मेरी बात यदि पूरे मोहल्ले को मालूम चले वो अच्छी बात है क्या? तो चलने दो, मोहल्ले को सब कुछ पता है। तुम्हारी इज्जत नहीं होगी मेरे साथ कर रहा है तो। पर आपने बिटिया के साथ भी उसी कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। अपने जैसा समझाया क्या? आपने जैसा समझाया कि अपनी कैटेगरी में खड़े मत करो हम दोनों को। क्यों? क्या ठीक है? आज भी वही जीते हैं जहाँ रह रहे थे। हाँ बोलो। अरे गेट तो खोलो यार। किसलिए खोलना है? होगी क्या? तो बाहर से ही होगी, जो आपने कर रखा तो बाहर से ही होगी बात। अरे बाहर से क्यों होगी बात? बोलो क्या करने आए हो? जितना राइट तुम्हारा उतना राइट मेरा भी है। आज सारा राइट याद आ रहा है क्या? क्या हो गया? किस बात से क्यों आए हो बताओ? क्या काम? बात नहीं कर सकता हूँ क्या? तो कर तो रही हूँ। तो फिर यार अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? दरवाजा खोलूँ ना। क्यों खोलूँ? क्या बात करनी है? करो बात। मेरी बात यदि पूरे मोहल्ले को मालूम चले वो अच्छी बात है क्या? तो चलने दो, मोहल्ले को सब कुछ पता है। तुम्हारी इज्जत नहीं होगी मेरी तो है। आपकी सारी इज्जत है, आप करने के आए हो मेरे को ये बताओ। क्या बात करनी है? नहीं खोलूंगी। किस लिए करना है दरवाजा? किस लिए खोलना है? समर के साथ जो राधिका का चल रहा है उसके बारे में बात करनी है। उसमें आप क्या करोगे? आपने क्या कर लिया? मैं तो जो कर रही हूँ मैं कर रही हूँ। मैं देख लिया मैंने। मेरे को मत समझाओ आप कर रही बातें करने आए। देख लिया तो मुझे नहीं करनी आपसे कोई भी बात करनी। नहीं तो मुझे नहीं करनी ना। क्यों घुसना है मेरे घर में? मेरा घर है ये। ऐसा है? हाँ। तुम अपने मायके से नहीं लेके आई? अच्छा ये मैंने दिलवाया तुम्हें। अब तो मैं वैसे नहीं आने दूंगी, मेरा मायका ही समझ लो। अभी खोलो दरवाजा। जी नहीं। क्यों क्या करना है? मैं तुम्हें क्या अपनी लड़की संभाल रही हूँ ना। आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैंने देख लिया वीडियो पे आप जो संभाल रहे हैं मैंने देख लिया तभी आया मैं। आपको नहीं मेरे को तो इज्जत है। चलो बेशरम तो हो जाऊं। बेशरम हो आ गए हो तो बैठ भी जाओ। तुम्हारा ही पति हूं? अरे मेरे कुछ नहीं हो आप। ठीक है ये मेरा पति पति मत लगाओ यहाँ पे। जो बात करने आए हो ना वो बात करो मुद्दे की। हाँ तो मुद्दे की बात करो। पति पति क्या लगा रहे हो? अरे क्या चल रहा है बिटिया के साथ? क्या चल रहा है तुम्हें मालूम नहीं है? आपको पता है? चल गया ना पता। मालूम है तभी तो आया हूं मैं। तो फिर बोलो ना क्या मुद्दे की बात। सीधी सीधी बात करो ना। क्या बोल रहे हो? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या हो रहा है? अरे मुद्दा मुद्दा क्या है ये? तुम्हें मैंने पूछा राधिका के जीवन में मैं क्यों बताऊं? मैं आपको कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। ठीक है आपको जो पता चले वो बताना है बताओ, नहीं तो ये रहा दरवाजा जा सकते हो। मैंने क्या बताना? दुनिया देख रही हूं। देखने दो दुनिया। मैं तो गलत कर नहीं रही ना ही राधिका गलत कर रही है। अच्छा किया आपने। क्या बुरा किया मैंने? क्या, अच्छा क्या, क्या बुरा किया? मेरे से फालतू बहस मत करो। मेरे संबंध खराब हैं, मेरे संबंध आपके साथ खराब हैं। तो पर आपने बिटिया के साथ भी उसी कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। अपने जैसा समझाया क्या? आपने जैसा समझाया क्या? अपनी कैटेगरी में खड़े मत करो हम दोनों को। क्यों? क्या ठीक है? आज भी वही जीते हैं जहाँ रह रहे थे। फालतू बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आके। अंदर घुसने दिया तो गलती कर दी क्या? अभी भी जा सकते हो। ये रहा घर का दरवाजा। आप पेपर निकालोगे ना? कौन से पेपर? उस पे नाम मेरा ही है। तो लिखे होने से क्या होता है? समझ आई? हाँ तो लिख कर रहने दो। मानता कौन है? आप जो मुझे बार बोल रहे हैं ना थोड़ा सा स्वर में आ जाओ तो अच्छा। पहली वाली बीवी ने धक्का दे दिया क्या? दूसरी वाली ने नहीं, दूसरी ने धक्का दे दिया क्या? इसलिए आ गई। ये मेरे को अपनी सफाइयां मत दो, अपनी यहाँ भुजिया मत बुझाओ। दिया कि नहीं दिया? और मैं तेरे मेरे ले नहीं आया हूँ। लग तो यही रहा अच्छा। कि अपना सोच रहे हो कि यहाँ पे वहां से धक्का लग गया यहाँ के अब बैठ जाऊँ। लग तो तो राधिका की बात कहाँ कर रहे हो? मैं अपने लिए बहुत सुंदर हूँ। तो बोलो ना। बोल तो दिया। बेफालतू की चार बातें गा रहे हो। क्या चल रहा है? मैं क्यों बताऊँ? आपने बोला कि मुझे पता चला तो आप बताओ ना आपको क्या पता चला। राधिका घर आके क्यों बैठी? और तुमने वकील को क्यों भेजा समझ के? क्यों नहीं भेजूंगी? क्यों भेजूंगी? जब वो कुछ समझ ही नहीं रहा, जब वो सब कुछ गुनगुन के साथ रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो मैं उसके साथ राधिका को जबरदस्ती रहने दूंगी क्या? अच्छा एक बात बोलूंगा। बोलो बोलो सुन रही हूँ मैं। जिम्मेवारी ले रखी थी तुम्हारी बेटी की। दोबारा बोल रहा हूँ। हाँ मेरी बेटी की। बेटी अब बोले राइट? अब बिल्कुल राइट बोले। आप गुनगुन वही थी उसी घर में तो, और मैंने सारी जिम्मेवारी ले रखी थी। किसकी किसकी ले रखी थी? अच्छा तो शादी के लिए तो आप भी माने थे? हाँ? शादी के लिए तो आप भी माने थे, मैं अकेली तो मानी नहीं थी। जब शादी हो रही थी उसकी वहीं मेरी खुशी हो। अच्छा आपका मतलब उसको जबरदस्ती मैं बसाए रखूं, चाहे वो उसको रखें चाहे ना रखें? हैं मेरी लड़की की कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है? क्यों नहीं वैल्यू है? अपने जैसी बनाने की सोच रखा है कि आपकी खुद की तो वैल्यू है नहीं, दूसरे की वैल्यू भी मत करो। वो तुम्हारे समझ में नहीं है ना। दुनिया से पूछो मेरी क्या वैल्यू। अरे मुझे नहीं जाननी दुनिया से मेरे को मतलब क्या है, मुझे अपने से मतलब है। हां तो बस मुझे बताना भी नहीं है तुम्हें। तो पूछ कौन रहा है? पूछा मैंने। मैं आई आपके घर, आप आए ना मेरे से बात करने? अरे वाह भाई वाह। यार बैठ के मुझे छोड़ा होगा दिखाती हो मुझे यार। आपका घर समझ नहीं आती, तभी तो आपको यहाँ से जरूरत पड़ रही है मेरे से पूछ के आने की। तो पूछना तो आपका घर कैसे हो गया? पूछना पड़ेगा। आपका घर कैसे हो गया? मेरा घर है ये। पूछना कायदे होते हैं। पूछना
और क्या सोच रहे थे तुमने वकील को भेज दिया समर के घर पे? मेरी मर्जी, भेजूंगी मेरी बेटी। अरे पैदल हो क्या आप? यदि मैं पैदल होता तो यहाँ नहीं आता। तो मत आते कर रही हो ना। हाँ। अपनी बेटी के साथ मैं करने देता, होने देता। मतलब आप क्या चाहते? लड़की वहाँ पड़ी रहे, भीख मांगती रहे, मेरी बेटी अच्छा मैं यहीं रहूंगी, तो कुछ भी कर, कैसे भी कर। उस आदमी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। फिर अपने घर बैठी है, बैठी रहेगी यहाँ पे, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे डिसीजन मैं लूंगी, आप नहीं। कौन होते हो आप? कौन होते हो डिसीजन लेने वाले मेरी बेटी का? पहला डिसीजन लिया वो भी गलत। क्या गलत लिया? अपने घर में बिठा के बहुत खुश हो क्या? जब आप थे, जब आपने नहीं बिठाया था तब सब सही था। जब कितनी बार पहले भी आई तब तो आपने नहीं बोला। आज आपका डिसीजन बीच में नहीं है तो मैं गलत हूँ? अच्छा तो मैं भी भेज दूंगी जब जरूरत लगेगी। अभी मुझे नहीं लग रहा, जो मेरे को सही लगा मैं करूंगी। मेरी भी बेटी है, मेरी ही बेटी है, मेरे को पता है कैसे घर बसाना है उसका। मेरे को पता है क्या सही है क्या गलत है, समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तुम्हारे घर के वकील है तो तुम कुछ भी कर लोगे? बाहर का होता तो भी यही करती जो पहले अब कर रही हूँ। घर का है तो सोचा तो करो कम से कम। क्या सोचना है, क्या सोचने आप? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? ये बात भी ठीक है कि समर के आगे भीख मांगू, मेरी बेटी को रख ले, है ना? अपनी बेटी दे रखी तूने। तो फिर आपका तो लहजा कहने का यही रख रहा, लग रहा है यही बोलना चाहिए कि समर तू इसको भी रख ले साथ में ही। कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को रख नहीं सकती। गुनगुन तो रह ही रही है, राधिका को भी रख ले, कोई बात नहीं, तो झुकाएगा मैं वही करूंगी। आज से नहीं रह रही तो अब ध्रुव के उसके साथ रह भी नहीं रही, ध्रुव के साथ रह रही है। ठीक है, कौन कौन? गुनगुन। फिर तो फिर अब वो राधिका वहां पे रह रही है समर के साथ। क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ मालूम नहीं चलता? अरे मुझे नहीं बताना ना तुम्हें, तुम क्यों सुनने आए हो सारी कहानी? मैंने बोला कि सारी कहानी सुनने आओ, जैसे चल रही है हमारी, बस है ना, बस है मेरी बेटी। अच्छा, बहुत अच्छे विचार है, बहुत उच्च। मेरे विचार तो बहुत उच्च है, इतने उच्च की आपको आपने कभी देखे भी नहीं होंगे ना सुने होंगे। तो मुझे देख रहा हूं। हाँ तो ठीक है ना, समर ने गलती कर दी तो आपने फटाफट अपनी बेटी को समेटा और अपने घर ले आई। आपको पता है मैं क्या चाह रही हूँ? मतलब कि अपने मेरी चाहने की इतनी हिम्मत है कि मैं चाह जाऊंगी कुछ? देखो हम दोनों की लड़ाई के चक्कर में हम अपनी बेटी की जिंदगी क्यों खराब कर रहे? आपकी लड़ाई के चक्कर में मेरी लड़की की जिंदगी नहीं खराब कर रही मैं, वो तो जो चल रही है चल रही है। आपकी अकेले की बेटी नहीं है, मेरी बेटी भी है वो। क्या में कभी झगड़े नहीं होते? तो हस्बैंड छोड़ के चला जाता है क्या किसी और के पास रहने के लिए? यार तुम उस टॉपिक के क्यों बीच में? तो किसको लाऊं? क्यों ला रहे हो अपने आप को मेरे को बीच में? क्यों ला रहे हो? राधिका की बात करने आए हो ना, तो राधिका की बात करो, बीच में क्यों बोले? राधिका हम दोनों की बेटी है, है तो अब मेरी बेटी है, अब आपकी बेटी नहीं है वो। मतलब कि तुम्हारा पूरा राइट है? मेरा बिल्कुल राइट है। आज भी मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ खड़ी थी, उसी घर में रह रही हूँ, उसी घर में खाती बैठती हूँ। आपकी तरह नहीं कि बाहर चली गई, अब वहां से पटी नहीं तो यहाँ आ गई, वो नहीं चलेगा। वहां से पटी हुई तुम्हें मालूम है कि वहां से पटी है? तो क्यों आए यहाँ पे, क्या बहाना लेके आए हो? राधिका की बात करनी है, कौन सी बहानेबाजी है ये? तुम बहुत बड़ी लैंडलॉर्ड तो नहीं हो यार? मैंने तो नहीं बोला। तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग तो ऐसा ही है कि तुम बहुत बड़ी लैंडलॉर्ड हो। जो आपको लग रहा है अच्छी बात है, लगना चाहिए, जो काम किया वो इसी लायक सुनने के लायक हो आप। अब क्या चाह रही हो? बोला कि आपके और मेरे झगड़े के बीच में जो हमारी बेटी है वो? मैं कब लाई उसको बीच में? फिर का क्या मतलब होता है? मैं आया हूँ ये मैटर को सॉर्ट आउट करने, तो हो गया, जो मेरे से मिस्टेक होगी, तुमसे मिस्टेक होगी या किसी से मिस्टेक होगी। मैं आपकी जगह ऐसे करती तो आप क्या करते? कोई बात नहीं, तब के आप मुझे माफ कर देते? हाँ। अच्छा, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। अब मैं करके दिखाऊंगी और फिर मेरे को घुसने देना, फिर देखूंगी कैसे आपने मेरे को माफ करा के नहीं। शायद आपको मैंने दरवाजे से घुसने दिया, आप दरवाजे तक फटकने भी नहीं देते मेरे को। एक बात बोलूं मैं आपको, ये आपके दिमाग में ऐसा ही है कि मैंने आपको दरवाजे से आने दिया कि जाने दिया? बिल्कुल